मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करें। जिलाधिकारियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जो भी सहायता की मांग की जा रही है उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के रेस्टोरेशन के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान उत्तराखंड के एक और जवान सत्य सिंह बिष्ट शहीद हो गए। हवलदार सत्य सिंह 17वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे और कुपवाड़ा में आर्मी यूनिट के साथ JCO की भूमिका में ड्यूटी निभा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। 42 साल के हवलदार सत्य सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय गोपाल सिंह बिष्ट मूल रूप से ग्राम जुराना चंद्र बदनी खास पट्टी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। वर्तमान में वो पिछले 7 साल से अठुरवाला में रह रहे थे। शुक्रवार दोपहर सेवा के अधिकारियों द्वारा बलिदान के परिजनों को सूचना दी गई कि सत्य सिंह बिष्ट जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। खबर मिलते ही परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव में मातम छाया हुआ है। कांवड़ मेला संपन्न होने पर जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्बरियाल और पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोबाल ने हर की पैड़ी से गंगाजल भरकर दक्ष प्रजापति मंदिर में अभिषेक कर भगवान शिव का धन्यवाद किया। वहीं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे भी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची और हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर बालकेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने भी जलाभिषेक किया। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रशासन ने मेला सही ढंग से संपन्न करा दिया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। अंतिम दिन हमारे कांवड़ यात्रा का और इसमें जलाभिषेक के साथ ही आज कांवड़ यात्रा का भी समापन हो जाएगा। तो जैसा कि जैसी भी प्रथा रही है उसमें कप्तान साहब, हम और पूरी टीम जिन्होंने इस पूरी यात्रा में टीम ने जो काम किया है, जिस मनोयोग के साथ काम किया है, ब्रह्मकुंड से गंगा जल लेके हम लोग दक्ष मंदिर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आज यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए आए थे, लगभग 4.25 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हमारे आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। शिवरात्रि है, आज का जल है, तमाम 4 करोड़ से ऊपर के लोग हमारे हरिद्वार में आए। उस समय इतना रस था, कुछ उपद्रवी कांवड़िया गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, तो मैं आई मैंगलोर से बार बारी और कसाना डीजे को रोक दिया था, उसको स्टार्ट करने आई। और आज मैं खुद जब पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ कांवड़ लेने आ रहे हैं, तो आज मैं भी जल लेके 5 जगह जल चढ़ाऊंगी। सितारगंज के नए तहसील भवन का शनिवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकार्पण किया। 407.53 लाख रुपए की लागत से निर्माण हुए इस भवन परिसर में विभिन्न विभागों के कार्यालय मौजूद हैं, जिसमें SDM कोर्ट, तहसील कोर्ट, खाद्य विभाग, राजस्व निरीक्षक समेत अन्य विभागों के कार्यालय बनाए गए हैं। आपको यह बताते चलें कि सितारगंज वासियों को बड़ी सौगात मिली है, अब सितारगंज की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार की सोच है कि जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो वो धराधाम में भी उतने कागजों में डाल रहे हैं। 4.7 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्र वासी को सुविधा देने के लिए एक और कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारी जो पुरानी तहसील थी बहुत जर्जर स्थिति में थी, वहाँ पर लोगों को जान तक खतरा था, अधिकारियों को भी समस्या होती थी। आज एक बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग बनकर यहाँ तैयार हुई है। आज हमने पहली यहाँ से प्रमाण पत्र भी, स्थायी प्रमाण पत्र भी बांटा है। क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। हरिद्वार देहरादून बाईपास मार्ग स्थित छिद्दरवाला की सौंग नदी में मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ पानी से निकलकर झाड़ियों के किनारे भी आ गया। लोगों ने यह नज़ारा देखा तो वे डर गए। काफी देर तक मगरमच्छ में हरकत दिखाई नहीं दी, जिससे लोग उसके करीब पहुंचे, लेकिन किसी व्यक्ति ने मगरमच्छ पर पत्थर मारा तो वह अचानक नदी में चला गया। मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना से लोगों में डर देखा जा रहा है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भारी बारिश के चलते लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में देर रात हल्की झमाझम बारिश के बाद आज सुबह से आसपास की पहाड़ियां कोहरे की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। इधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत गौचर कर्णप्रयाग चमोली जोशीमठ बद्रीनाथ धाम तक मोटर मार्ग यातायात हेतु सामान्य सुचारू है। वहीं बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ धाम में जहां अब तक करीब 8,90,000 तीर्थ यात्रियों की आमद हुई है।